गाइस, आपके अपने चैनल ई फूड रेसिपी में आज बॉल्स बनाएंगे। ये बॉल्स व्रत वाले बॉल्स हैं। इसको आप खाएंगे ना तो आपको व्रत में भी ये महसूस नहीं होगा कि आप व्रत हैं, और नवरात्रि में इसको ज़रूर बनाइए। तो चलिए बनाना बताते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। आलू ले लेंगे। आलू को अच्छे से आपको छील लेना है, और छीलने के बाद अच्छे से उसको धुल लेना है। और धुल कर ऐसे आप पतला वाला ग्रेडर या मोटा वाला ग्रेडर भी यूज कर सकते हैं, तो उस ग्रेडर की सहायता से आलू को हम ग्रेट कर लेंगे। बिल्कुल जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है, सेम टू सेम ऐसे ग्रेट कर लेंगे। और आलू को ग्रेट करने के बाद उसको दो चार पानी में अच्छे से धुलकर उसका पानी अच्छे से निचोड़ निचोड़ कर निकाल लेंगे। अगर आपके पास कॉटन का कपड़ा है तो उसमें भी आप निचोड़ कर निकाल सकते हैं। तो मैंने इसी तरीके से किया है, सेम टू सेम। और अब इसमें हम तीन चार हरी मिर्च को बारीक काट कर डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे। तो इसको हम व्रत के लिए बना रहे हैं। और इसमें जीरा डाल देंगे, पिसा हुआ जीरा पाउडर, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच जीरा पाउडर और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सब कुछ डालने के बाद अब यहाँ हमने लिया है सिंघाड़े का आटा। सिंघाड़ा जो है व्रत में आप खा सकते हैं, तो सिंघाड़े के आटे को अब हम डाल देंगे। तो यहाँ मैंने आधी कटोरी आटा लिया है, तो हम एक चम्मच चम्मच की सहायता से अगर आप लेंगे तो लगभग मैंने यहाँ अभी 6 चम्मच डाला है आटा सिंघाड़े के आटे को। तो बस सिंघाड़े के आटे को थोड़ा थोड़ा सा डालकर इसको अच्छे से हम मिला लेंगे हाथ से। और अब यहाँ मैंने लिया है रॉक सॉल्ट, जिसको सेंधा नमक बोलते हैं हिंदी में। तो रॉक सॉल्ट यहाँ मैंने एक और आधा चम्मच नमक डाला है, सेंधा नमक। व्रत में सेंधा नमक खा सकते हैं नवरात्रि में, तो इसमें हम डाल देंगे सब कुछ। और डालने के बाद अच्छे से इसको मिला लेंगे, और फटाफट से गैस पर कढ़ाई रखेंगे। और कढ़ाई में डाल देंगे हम मूंगफली का तेल। मूंगफली की तेल की जगह आप घी भी यूज कर सकते हैं, देसी घी। और अब इस तरीके से बॉल्स बना बना कर इसमें हम डालते जाएंगे। तेल आपका बहुत गर्म होना चाहिए, और फ्लेम को मीडियम रखना है गैस की फ्लेम को, और तेल गर्म होना चाहिए। तो बस सारी बॉल्स को डालकर 8-10 बॉल्स हम डाल देंगे एक साथ में। डालकर अच्छे से उलट पलट कर इसको हम तल लेंगे, डार्क ब्राउन होने तक इसको तलेंगे। तो ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची लगते हैं। ये बॉल्स बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची लगते हैं। तो चाय के साथ इसको आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आप व्रत हैं तो अगर आप इसको बनाएंगे ना तो आपको ये नहीं एहसास होगा कि आप व्रत हैं। तो ये बहुत ही चटपटे लगते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसको आप ज़रूर बनाइएगा। और गर्मी आ गई है तो आम की चटनी के साथ इसको खाइएगा। चटपटा चटपटा बॉल्स, चटपटे और बहुत ही क्रिस्पी, बाहर से इतने क्रिस्पी रहते हैं ना। चलिए आगे आपको दिखाती हूँ क्रिस्पी हैं कि नहीं। तो ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी बॉल्स बने हैं। आपको यकीन नहीं होगा इतने ज़्यादा क्रिस्पी बॉल्स बने हैं कि मैं क्या बताऊँ। तो आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए आप इस तरीके से इसको रगड़ने पर किस तरीके से आवाज़ आ रही है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितने क्रिस्पी बने हैं। तो आप इसको ज़रूर बनाइए। अगर आप एक बार इसको बनाएंगे ना तो नवरात्रि भर 4-5 बार ज़रूर बना कर खा लेंगे। तो यहाँ मैंने टमाटर और हरी धनिया और मिर्च की चटनी बनाई है, लाल टमाटर की। आप चाहें तो आम की भी चटनी बनाकर इसके साथ खा सकते हैं या सर्व कर सकते हैं। तो इस स्मॉल बॉल्स को ज़रूर बनाइएगा आलू के। ये खाने में बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, यकीन मानिए। तो बनाइएगा ज़रूर। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, हमारे चैनल की रेसिपी पसंद आती है, तो और भी ऐसी कई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर को प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट है और बाहर से कितने क्रिस्पी। वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।